नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवाड़ी। दोस्तों आज एक आपकी एक समस्या थी हमारे सामने, काफ़ी दिन से आ रही थी, उस समस्या का सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में आया हूं और आज आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि ऐसे यूट्यूबर अधिकारी के बारे में जो कि बिल्कुल फर्जी है, फ्रॉड है। दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रहा है और इसमें एक क्राइम आता है जो कि वीडियो वायरल, यानी कि वीडियो बनाकर वायरल करने वाला मामला है। यानी कि कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल एक्टिव है सोशल मीडिया पर कि जो भोले भाले लोगों को फेसबुक से एक लड़की की रिक्वेस्ट भेजकर उन लोगों को शिकार बनाते हैं और फिर उनसे सामने एक शर्त रखी जाती है वीडियो कॉलिंग की। जब वो व्यक्ति इन बातों से अवेयरनेस ना होकर इन लोगों की वीडियो कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो बना लिया जाता है, फिर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है, साथ ही उस वीडियो को उनके फ्रेंड या फिर यूट्यूब पे अपलोड करने की धमकी दी जाती है, यूट्यूब पे अपलोड करने के बारे में बताया जाता है और जिसके रिगार्डिंग उनके पास एक कॉल आता है, वो अपने आप को या तो हेमंत मल्होत्रा बताता है कि यूट्यूब ऑफिसर हेमंत मल्होत्रा बोल रहा हूँ, या फिर और भी कोई हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस यूट्यूब ऑफिसर हेमंत मल्होत्रा के बारे में, क्या वो वाकई में हेमंत मल्होत्रा यूट्यूबर ऑफिसर है या फिर कोई फर्जी आदमी है। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपके दिमाग में जो ये डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो यूट्यूबर यानी कि जो यूट्यूब ऑफिसर हेमंत मल्होत्रा अपने आप को बता रहा है उसके पास हमारा वीडियो कैसे पहुंचा और वो वीडियो क्या वाकई में वायरल करेगा या नहीं करेगा, या फिर जो हमसे वो पैसे की रिक्वायरमेंट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे सवाल आपके दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहे थे, आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आपके बीच में आए हैं। दोस्तों यूट्यूब की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम यूट्यूब की बात करते हैं कि यूट्यूब के पास हमारा जो वीडियो आया तो वो सबसे पहले कहाँ से आया, कि वो लड़की जो है जिसने हमारा वीडियो बनाया है क्या उसने हमारे वीडियो को यहाँ पे भेजा है, या फिर हमारे सामने ऐसी भी बातें आ जाती है कि एक साइबर ऑफिसर बोलता है, जो साइबर क्राइम ऑफिसर है वो हमें कॉल करता है कि भाई यूट्यूब वाले को बोलो और उनसे बोल के आप अपना डिलीट कराओ, या फिर आप हमें पैसे दे दीजिए, हम उनको दे देंगे, हम आपका वीडियो डिलीट करा देंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो यूट्यूब ऑफिसर के पास कैसे आया? दोस्तों यूट्यूब ऑफिस जब हमारे देश में है ही नहीं तो हमारा वीडियो वहाँ पे कैसे जाएगा, और यूट्यूब वीडियो भेजने के लिए पर्टिकुलर कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो किया जाएगा। जब यूट्यूब का पर्टिकुलर कोई मोबाइल नंबर है ही नहीं, अगर हम लोगों को आवश्यकता हो गई यूट्यूब से बात करने की, मान लो कि मेरे कोई वीडियो में दिक्कत आ गई या मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने में, तो अगर मैं बात करूंगा YouTube ऑफिस में कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या लगता है कि हमारे पास WhatsApp नंबर है, हम उन्हें WhatsApp कर देंगे कि भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारी सॉल्यूशन कर दी, वो हमें कॉल करेगा, भाई साहब ये आपकी सॉल्यूशन हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको उन्हें मेल करना होता है, जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है उसके रिगार्डिंग हमारे को एक मेल लिखना होता है और मेल लिखने के बाद हमें वो मेल करना पड़ता है और जब मेल उनके पास जाता है तो उसका हमारे पास जवाब आता है। हमारा जो बातों का आदान प्रदान होता है वो सारा लिखित में होता है, हमारा कोई वॉइस कॉल नहीं होता है, ना हमारे को कोई यूट्यूब का पर्टिकुलर ऑफिस का नंबर हमारे पास होता है। तो आप ये चीज़ समझना कि जब यूट्यूब का ऑफिस हमारे देश में है ही नहीं और जो यूट्यूबर हेमंत मल्होत्रा अपने आप को जो यूट्यूब ऑफिसर बता रहा है वो इंडिया से बात कर रहा है और हिंदी भाषा में बात कर रहा है, यानी कि वो फर्जी है, बिल्कुल फ्रॉड है। दूसरी बात की जाए अगर कि उनके पास जो वीडियो आया वो वीडियो उनके पास किसी भी सूरत में नहीं आया है, बात असलियत में ये है कि वो जो गैंग है उसका एक सक्रिय सदस्य है, वो आप लोगों को डराने के लिए इस तरीके की गतिविधि कर रहा है आप लोगों के सामने, क्योंकि जब कोई वीडियो यूट्यूब के पास भेजना होता है तो उसका एक ही कारण, एक ही तरीका होता है कि आपको YouTube पे पहले अपलोड करना होगा, फिर उनको मेल करना होगा कि भाई हमने जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। आपके सामने ये कौन सा ऑफिसर आ गया या फिर YouTube का ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया जिसके पास डायरेक्टली वीडियो पहुंच गया और वो हमारा वायरल कर रहा है? दूसरी बात, यूट्यूब पे वीडियो कभी भी अपने आप वायरल नहीं होता है। मेरे मोबाइल में 10 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए रखे हैं, क्या वो वायरल हो जाएंगे अपने आप ही? ऐसा नहीं होता है। जब YouTube पे कोई वीडियो अपलोड होता है उसी के बाद ही तो लोग उसको देखते हैं। तो जो आपके सामने जो कहानी आती है कि भाई आपका वीडियो वायरल कर देंगे, आपका वीडियो आया है, इस तरीके की जो बातें आप लोगों के बीच में एक YouTube ऑफिसर बनकर जो बात करता है वो गलत है।
रही बात हेमंत मल्होत्रा, ये लोग ऐसे नामों को डिजाइन करते हैं इस मामले में कि वो यूनिक हो या फिर ऐसा लगे कि हाँ ऐसा आदमी हो सकता है, जैसे हेमंत मल्होत्रा। अगर ये हेमंत मल्होत्रा की जगह हेमंत शर्मा लगा देता तो आप लोग ज़्यादा नहीं डरते, इसलिए इन्होंने एक तरीका बनाया हेमंत मल्होत्रा। जैसे साइबर क्राइम ऑफिसर का नाम ये लोग कैसे रखते हैं, इसी तरीके से रखते हैं, अग्निहोत्री मिलेगा, मल्होत्रा मिलेगा, पटेल मिलेगा, तो इस तरीके से क्या है कि लोग ये देखेंगे यार ऐसा अधिकारी हो सकता है, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है, ये लोग फ्रॉड होते हैं। और जो इस तरीके की आपके पास जो कॉलिंग आती है कि भाई हम यूट्यूब के ऑफिसर हेमंत मल्होत्रा बात कर रहे हैं, तो आज आप समझ गए होंगे कि वो हेमंत मल्होत्रा एक फर्जी बनकर बात कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको डरना नहीं है, और जब ये चीज़ हमारे सामने बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि कोई हमारे को फर्जी व्यक्ति फ़ोन कर रहा है, तो उसको कैसे जवाब देना चाहिए। यार आप इंडिया के लोग हो, आप इंडिया के युवा हो, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अगर गलत कर रहा है तो उसको कैसे समझाना है, उसको किस तरीके से उसको बताना है कि भाई गलत करना भी गलत होता है। तो ये चीज़ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी यूनिक जानकारी लेकर आता हूं, इसलिए आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप जब हमारी इस जानकारी को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, लेकिन आपकी तरफ से हमारे को इस तरीके का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। आप लोगों से मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी तरह और लोगों को बचाया जा सके और इस तरीके के जो साइबर क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ एक जंग जीती जा सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो हमने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना।